देख रहे हैं एसपी लाइव न्यूज़। स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबर में। दरअसल अभी हाल ही में चंडीगढ़ में नगर निगम के चुनाव हुए, चुनाव के नतीजे सामने आए जिसमें ये देखा गया कि कांग्रेस ने भी अच्छी बढ़त बनाई तो वहीं आम आदमी पार्टी ने भी बड़ी बढ़त बनाई। लेकिन अब मेयर पद को लेकर जो बड़ी बुरी खबर है वो कांग्रेस के लिए आ रही है। ये देखा जा रहा है कि कांग्रेस की टिकट पर जिन बड़े चेहरों ने जीत हासिल की थी वो अचानक बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, उसके बाद कांग्रेस का पलड़ा कमजोर हो जाता है और मेयर पद के लिए जो है वो बीजेपी ने अपने कैंडिडेट को आगे कर दिया जिस पर मोहर भी लग चुकी है। तो चुनाव खत्म होने के बाद जो नतीजे सामने आए उसमें देखा जा रहा है कि चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में भले ही कांग्रेस ने जीत हासिल की लेकिन मेयर पद के लिए जो कोशिशें कांग्रेस की तरफ से थी वो कामयाब नहीं हो पाई है। ये देखा जा रहा है कि बीजेपी अब बड़े स्तर पर साम दाम दंड भेद का हर तरीका अपना रही। हालांकि ये देखा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी भी पीछे नहीं है। आम आदमी पार्टी ने भी जिस तरह बड़ी टक्कर दी और ये बता दिया है कि पंजाब विधानसभा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी बड़ी टक्कर देगी तो उसको देखकर बीजेपी के होश उड़ते नजर आ रहे हैं। हालांकि देखा जा रहा है कि पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले तीन राजनीतिक पार्टियों के बीच अब टक्कर देखती नजर आ रही है, बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। लेकिन बहुत बड़े हद तक कांग्रेस के चुनाव जीतने की जो है स्थिति ज़्यादा दिखाई दे रही है क्योंकि पंजाब में जो मुख्यमंत्री हैं चरणजीत सिंह चन्नी वो उन्होंने जिस तरह के ऐलान किए वो ऐलान बताते हैं कि वो जनता के लिए किए गए और जनता को चरणजीत सिंह चन्नी के ऐलान पसंद आ रहे हैं, इसलिए पंजाब में कांग्रेस जो है वो पहले स्थान पर दिखती नजर आ रही है। पंजाब चुनाव से पहले अभी कई सर्वे सामने निकल कर आए हैं जिनमें इससे ज़्यादातर सर्वे जो है वो ये बता रहे हैं कि कांग्रेस को पंजाब चुनाव में जीत मिल सकती है और इसका फायदा अन्य राज्यों पर भी पड़ता नजर आएगा। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, नमस्कार।